विकार मिटाओ, पाप हरो, देवा कर संतन की सेवा। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आपको मेवा अगर मिलेगा, दास अपनी बात नहीं कह रहा है, संतों की बात कह रहा है। दास तो एक आपके लिए सेवक है, दास को सेवा मिल गई तो दास फिर अपने उस मालिक के चरणों में आपको जाकर के छोड़ेगा। तो ये चीज है। तो तभी तभी जो है हमने वो आरती भी गाई कि संतों के साथ तो दुनिया बैर करती है कि संत क्या होते हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये क्या होते हैं, लेकिन संत बहुत बड़ी सत्ता होती है। तो स्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि संत रूप हुए आया जगत में। तो वो मालिक जब इस संसार में आता है, ऐसे नहीं आया कभी ना कभी गया है, अगर आया भी आता है तो संतों के रूप में आता है, फिर संसार का भला करता है, वही भला कर सकता है, वही भला कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। गुरु कौन होता है? गुरु कोई शरीर नहीं हो सकता, गुरु शब्द है, गुरु परमेश्वर है, गुरु परमात्मा है, गुरु परमेश्वर होता है, कोई इंसान नहीं हो सकता। तो गुरु शब्द है, शब्द को पकड़ो, शब्द की कमाई जितनी आप करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, वही है पारस। उस पारस को आप पकड़ लेंगे तो सारी दुनिया को सुखी कर सकते हैं आप, सारी दुनिया को सुखी कर सकते हैं आप, ऐसे हैं। लेकिन आपको वो नाम रूपी पारस मिला, लेकिन उसमें भी आपने उसमें जंग लगा दी, या उसके ऊपर कोई पेपर लग गया और उसने लोहे का सोना बनाना था लेकिन नहीं बन सका, इसी कारण से वो सोना बनना रह गया। तो इसलिए वो तभी हो सकता है जब हम शब्द की कमाई करते हैं। तो शब्द की जितनी आप कमाई करेंगे उतना ही आपका जीवन सफल होता चला जाएगा। हमारे महापुरुषों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने तो इतना समझा दिया, दुनिया को इतना समझाया, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तीन प्रकार के जिज्ञासु होते हैं सत्संग में आने वाले। एक होते हैं जो पहले नंबर में जो आते हैं, एक दूसरे नंबर में आते हैं, कि तीसरे में आते हैं। जो पहले नंबर में आते हैं वो सत्संग होने से पहले आ जाते हैं, पहले ही आ जाते हैं और फिर खत्म होने के काफी बाद जाते हैं। और दूसरे होते हैं जो आते हैं जब सत्संग शुरू होना होता है उसके बाद आते हैं और फिर खत्म होने से पहले ही भागने की कोशिश करते हैं। और जो निकृष्ट होते हैं तीसरे नंबर के, वो जब काफी सत्संग हो चुका होता है तब आते हैं, वो आउ चलाउ ही होते हैं, टाइम काटने के लिए आते हैं। वो फिर आएंगे और फिर अभी थोड़ा ही सत्संग होगा उतने में उठ करके चले जाते हैं, दुनिया और भी बैठी होगी उनको भी फिर लगता है भी जब सभी उठ रहे हैं पता नहीं, जो अगर गुरु की कोई बख्शिश चल रही है, वहां धारा चल रही है उस मालिक की, तो फिर वो भी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि काल ले गया उसको खींच के, क्योंकि ये देश ही काल का है, तो काल ने तो छोड़ना नहीं है किसी को, काल कौन है यही पता नहीं दुनिया को। सबसे बड़ा धोखा तो ये है, जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक किसी चीज का कोई पता नहीं है कि कौन क्या चीज है, हमने किसको पूजना है, किसको क्या करना है। तो परमात्मा की शक्ति है प्रकृति, प्रकृति से पैदा होता है अहंकार, अहंकार से पैदा होता है मोह, मोह से पैदा होता है नौ इंद्रिया, नौ इंद्रियों से पैदा होता है मन, मन से पांच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है, पांच महाभूतों से पांच विषयों का पसारा हुआ है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो ये संसार जो है पांच विषयों का पसारा है, शब्द स्पर्श रूप और गंध का। तो इसी कारण से ये संसार जो है माया में इतना उलझा हुआ है, माया में इतना फंसा हुआ है कि इसको कोई पता नहीं चलता। तो तभी संत महापुरुष इस संसार में आते हैं। तभी कबीर जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई, कि संसार रूपी कर चक्की और ये दयाल रूपी चक्की जो है दिन रात चल रही है, काल रूपी चक्की और दयाल रूपी चक्की दिन रात चल रही है, लेकिन जो बीच में धुरी होती है
जो जिसमें दाना लगता है और वो पीसा पीसा जाता है, लेकिन जो धुरी के साथ लग जाता है वो बच जाता है, वो पीसा नहीं जाता, वो साबत का साबत रह जाता है। तभी कहा है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। तो इसमें साबत कोई नहीं बचा, सभी पीसे जा रहे हैं। तो जो किल्ली से लगा रहे, जो किल्ली से लग जाता है, फिर उसको उसका ग्रास काल नहीं कर सकता है, वो बच जाता है। तो कमाल साहब पास में बैठे थे, कबीर जी के पुत्र थे, तो कहने लगे पिताजी मैं भी कुछ अर्ज करूं कि हाँ बेटा बोलो। तो उन्होंने कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख के दिया कमाल ठिठाए, जो किल्ली से लगा रहे ताको काल ना खाए। तो जो उस किल्ली से लग जाता है, धुरी से लग जाता है, वो ही बचता है। वो धुरी कौन है? संत, संत जो संसार में आते हैं, जो संतों के चरणों में आ गया उसका जीवन सफल हो गया, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो संतों के चरणों में जिन महापुरुषों ने, जितने भी महापुरुष आए, दास तो सभी महापुरुषों की जितनी भी बड़ाई करेगा कम है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बहुत सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान भी उसी को मिलेगा जो उसका हकदार है, जो उसका हकदार है नहीं उसको कैसे मिलेगा। तो वो तो अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ते, लेकिन दुनिया ध्यान नहीं करती। तो इसमें फिर दुनिया जो है अंधकार में रहती है, अंधकार में ही अपना जीवन व्यतीत कर देती है। तभी दास ने आपके चरणों में अर्ज करी थी कि गुरु साहब कहते हैं कि जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इतने चांदन हों दिया गुरु बिना घोर अंधार। तो गुरु के बगैर अंधकार ही अंधकार है, कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी पता नहीं चलता कि कौन कहां पर है। तो ये संसार एक ऐसा संसार है, ये एक ऐसा गढ़ा है जिसमें सभी, सारा संसार, संसार रूपी तौली के अंदर जितने भी जीव हैं सब पड़े हुए हैं। उसका भक्षण कौन करता है? इसको कौन उसका भक्षण करता है? उसका भक्षण काल करता है। और उस फल को गुल्लर का फल कहा है, उसका भक्षण कौन करता है? काल करता है। वो सबको चट कर जाता है, किसी के ऊपर दया नहीं करता, सबको चट कर जाता है। लेकिन उसी की ही सेवा में दुनिया लगी हुई है और उसी में ही हम फंसे हुए हैं। तो दास ने आपके चरणों में अर्ज की थी कि दास तो सभी महापुरुषों के चरणों में यही अरदास करेगा, क्योंकि उनकी बख्शिश सदा सदा चलती रहती है, वो सदा सदा से होते हैं। ऐसा नहीं है महापुरुष कभी आते नहीं कभी जाते नहीं, वो सदा सदा से होते हैं। तो उनकी कृपा अगर किसी के ऊपर हो जाए तो फिर जीवन सफल हो जाता है, फिर कोई कमी नहीं है। क्यों? कमी हमारी अपनी होती है, जो हम उन वचनों के ऊपर चलते नहीं, उन वचनों के ऊपर फूल नहीं चढ़ाते। तो उनके वचनों के ऊपर, महापुरुषों के वचनों के ऊपर हम चलें। जितने भी आज तक धर्म ग्रंथ हैं, हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी तो एक ऐसी साइंटिफिक वाणी है, बड़ी अनमोल, बहुत पवित्र। एक एक शब्द का अगर आप अर्थ कर लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं बस हो गया जी, चलो जी अब अपना अब पढ़ लिया और रख दिया, धूपबत्ती कर लिया, अब चलो जो जो हमारा कार्यक्रम है, किसी का चोरी का है, किसी का ठगी का है, किसी का बुराई का है, बस वही करेंगे। संसार में, संसार में ऐसा ही है। आज संसार में इतनी कुसंगति बढ़ गई, बड़े दुख की बात होती है, क्योंकि माता पिता का धर्म बनता है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, बच्चे को अच्छा बनाना माता पिता का धर्म होता है। लेकिन आज माता पिता ने बच्चों को छोड़ दिया, जो मर्जी सो करते रहे। बच्चा जाता है स्कूल में, जाता है कुसंगति में पड़ जाता है, नशा पता करता है, और एक दिन आता है कोई, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कोई हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, और समय से बहुत पहले ही चल पड़ता है। तो फिर आपने क्या कमाया संसार में? तो तभी कहा है गुरु साहब कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। कि हे जननी, अगर बच्चे को जन्म देना है, क्योंकि संसार
को बनाने वाला कौन है? माता, जो जननी है, जो बच्चों को जन्म देती है, उसी से ही संसार बनता है। तो संसार को वो अच्छा भी बना सकती है, जैसा भी बनाना चाहे वैसे बना सकती है। तो तभी कहा है कि जननी, अगर बच्चे को जन्म देना है तो उसको अच्छा बना, ताकि वो कोई बहादुर बने, दूसरों की रक्षा करे, या फिर कोई ऐसे हैं जो गरीब हैं उनकी सेवा करे, दीन दुखियों की सेवा करे, या कोई ऐसे हैं जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बहुत गरीब हैं, उनकी सेवा करे। तो इसीलिए ये शिक्षा अगर हम दे दें तो फिर कोई कमी नहीं आती। क्यों? हम सोचते हैं कि हम, हाँ जी, इतनी पगार लेते हैं, अगर इसमें से अगर हम अच्छे काम में अगर 5,000 लगा देते हैं तो बड़ा घाटा पड़ जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। तो देने वाला राम, लेने वाला राम। तो आप जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाता है। जितना बांटेंगे, जितनी आप दिन दुखियों की सेवा करेंगे, एक दूसरों की, ये जीवन जो मिला है औरों की सेवा के लिए मिला है। जीना औरों के हित में यही है बंदगी। दया करुणा अपनाते चलो, बाहर आएगी आनंद की, सत्य नीति धर्म पर सदा दृढ़ रहो। यह विनती है खेम सिंह की। तो हमेशा अपने सतपथ को मत छोड़ो, सतपथ के ऊपर चल पड़ो। उससे विचलित जो इंसान हो जाता है वो गिर जाता है, उसमें उसको फिर कई प्रकार की कठिनाइयां आती है रास्ते में, रास्ता बहुत कठिन हो जाता है, कोई भयंकर बीमारियां लग जाती है, कोई दुख आ जाते हैं, कोई कुछ हो जाता है। तो हमेशा अच्छी संगत करें, अच्छी संगति में जाएं। कुछ संगति में कभी कोई मत जाए, अपने बच्चों को कभी मत संगति में जाने दो, अच्छी संगति में जाए, सबकी सेवा करें, सबको समान दृष्टि से देखे, माँ बहन भाई सबको समान दृष्टि से। जब रावण की दृष्टि, रावण तो अपने आप को जिस समय कबीर साहब गए लंका में, तो मंदोदरी ने तो नाम लिया था, मंदोदरी तो के तो गुरु थे कबीर साहब। तो कबीर साहब वहाँ गए तो मंदोदरी कहने लगी कि आज आप नाम ले लो। तो कहते हैं कि मैं क्यों लूँ नाम, मैं तो चारों वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं तो सभी शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, बड़ी रिद्धियों वाला हूँ, बड़ी सिद्धियों वाला हूँ। तो रिद्ध सिद्ध नामे के बस है पूरे भाग को पाए। रिद्ध सिद्ध जितनी कुछ भी है, नीचे की चीज़ें जो है, ये तो नीचे की है, लेकिन ये भी नाम के कंट्रोल में है। अगर आपका, आपको नाम मिल गया, अभी तो ठीक है आपको नाम मिला, लेकिन अभी नाम तो, अभी आप तीसरे मंडल में पहुँचेंगे, पारब्रह्म के देश में पहुँचेंगे, यहाँ फिर नाम मिलता है, अभी नीचे का नाम नहीं है। कभी कहा है ना, जपा मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूर समानी सब सो बहुरी काल ना खाए। तो जब तक आपके अंदर वो सार शब्द तक आप नहीं पहुंचे, सार शब्द आपके अंदर प्रकट नहीं हुआ, तब तक अभी हम नीचे हैं। जिससे सार शब्द तक आप पहुंच गए, फिर आपकी गिनती होगी, फिर आपको गुरु ले जाएगा, क्योंकि तीसरे मंडल के अंदर जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां आपको गुरु के दर्शन मिलेंगे, परमात्मा के दर्शन। तो वहां गुरु के दर्शन किस रूप में होंगे? जिनसे आपने नाम लिया है वो वहां आपको लेने, अपने शिष्यों को लेने के लिए खड़े। और फिर जब वहां पहुंच जाएंगे तो गुरु का दर्शन क्या है वहां? तभी तो कहा है कि गुरु का दर्शन तू देख ले, तिल आसन डार, शब्द गुरु नित सुनो रे, मिल वासन जार। लेकिन फिर आप एक बात कहेंगे कि मैं तो गुरु पाइया जाऊं बलियार। वो कब कहेंगे? जब आपको गुरु मिल जाएगा वहां। गुरु क्या चीज है वहां पर? गुरु का वहां क्या दर्शन है? एक एक रोम का। जब आप पारब्रह्म के देश में पहुंच गए तो आपकी अपनी आत्मा का 12 सूर्य का प्रकाश है, तो एक सूर्य है, दो उदय हो जाए तो संसार जल जाएगा। आपका 12 सूर्य का प्रकाश है, आप ऐसे वैसे नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कुछ नहीं समझते। हाँ जी, अब तो मर गए, अब ऐसा लग गया, अब ऐसा बीमारी आ गई, अब ऐसी आ गई, अब तो ऐसा हो गया। ठीक है, एक आपका प्रारब्ध कर्मों का है, ऐसा नहीं रहता, स्थाई सदा नहीं रहता, कभी दुख भी आएगा, कभी सुख भी आएगा, कभी अच्छा कर्म भी आएगा, कभी बुरा भी आएगा। लेकिन इतने कमजोर नहीं पड़ जाना चाहिए इंसान को, हौसला रखो, उसके ऊपर भरोसा, उसका भरोसा रखो, मालिक का। तो आपका अच्छा कर्म आएगा, आपके रोग खत्म झड़ जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कभी भी इंसान को
घबराना नहीं चाहिए। जब हमारा मालिक बैठा है उसके ऊपर हमें विश्वास है, हमें दूसरों के किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें उसके ऊपर विश्वास है, तो फिर वो हमें पकड़ेगा। भगवान कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, सर्वधर्मान सर्वधर्मान परित्यजम मामेकम शरणम ब्रज। बहुत सुंदर बात कह दी उन्होंने, वो भी संदीपनी के शिष्य थे, उन्होंने भी नाम का भजन किया, उन्होंने भी जंगलों से लकड़ियां लाई और भूखे प्यासे रहे, गुरु की सेवा की, तब उनको भी पहले दूसरे मंडल तक की बख्शीश मिली। तो वो विष्णु का अवतार थे तो उनको भी तब जाकर के वो बख्शीश मिली। लेकिन आप जिस दिन तीसरे मंडल में पहुंच जाएंगे तो वो गुरु का दर्शन क्या है, वहां आपका अपना 12 सूर्य का प्रकाश हो जाएगा और फिर गुरु का एक एक रोम का, एक एक करोड़ सूर्य का प्रकाश है एक एक रोम का। अब आप अंदाजा लगाओ कि कितना प्रकाश होगा, बेअंत अपरंपार, आपका जीवन बदल जाएगा, वो जीवन हो जाएगा जिसका वर्णन नहीं। और फिर जब आप कमाई करेंगे, अभी आगे आपने जाना है, उसके बाद आपका 12 सूर्य का प्रकाश है, लेकिन एक देश ऐसा आता है, तिमिर देश है, उसके बाद पारब्रह्म के बाद वहां अंधकार ही अंधकार है, वो ऐसा देश है, वहां से आगे कोई नहीं जा सकता, गुरु के बगैर कोई नहीं गया, तो गुरु के प्रकाश में ही जा सकते हैं। और फिर एक रास्ता ऐसा है जिसको हमें पार करना है, जिसको बंकलाल भी कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी सुरंग है, ये जैसा ये बाल है ऐसे उस बाल के 10 हिस्से कर दिए जाए, 10वां हिस्सा उतना सूक्ष्म है, उसको पार करना है। तो मन तो हाथी होता है, वो कैसे उसको पार करेगा? तो उसको जब आप आत्मा बन गए तो फिर आप गुरु की कृपा से गुरु की गोद में बैठ करके फिर स्वयं के देश में पहुंच जाएंगे, फिर परमात्मा को आप यही कहेंगे कि जैसा तू है वैसा मैं हूं, फिर एक ही रूप हो गए, फिर किस चीज की कमी रह गई, फिर आप परमात्मा ही हो गए, फिर आप सारी दुनिया का भला कर सकते हैं, सारी दुनिया को तार सकते हैं, फिर आप में वो ताकत आ गई, फिर आपको किस चीज की कमी है? तो इतना कुछ है आपके पास, लेकिन भजन में बैठते हैं तो कहते हैं जी मेरा भजन नहीं बनता। भजन कहाँ बनेगा जब आपका ध्यान संसार में फंसा हुआ है, आपका मन संसार में लगा हुआ है, उधर तो लगता नहीं। जिस दिन आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, जैसे आपको नामदान दे दिया जाता है तो प्रकाश आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, वो स्थाई है, वो कभी आता नहीं। चंद्रमा का दर्शन होते हैं, सूर्य का दर्शन होते हैं, तारे तारामंडल आता है, तो वो आपको भागते हुए नजर आते हैं, वो भाग नहीं रहे हैं, वो वही स्थाई है, लेकिन हमारा मन भाग रहा है तभी हमें लगता है। जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा तो फिर वो अपने स्थान पर, सब चीजें अपने स्थान पर है, फिर आपका जीवन, फिर जीवन बन जाएगा। लेकिन हम करना नहीं चाहते ऐसा कि चलो ये मौका मिला है हम कर लें। पूज्य ताई जी थी तो उन्होंने बहुत कमाई की, बहुत भजन करती थी, बहुत भजन करती थी, और वो भी काफ़ी तरक्की की थी उन्होंने भी। तो ऐसे सभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो ये करने का भेद है ना, बुद्धि विचार, कथनी कर, करने करे तो पाए कुछ साथ, ये कथनियों का मार्ग नहीं है, ये तो करने का है, करने करेंगे तभी होगा। अगर ऐसे ही राम राम करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। राम राम तो राम ने तो जो काम करना था वो कर दिए, कर लिया, और वो अपने धाम को चले गए, अब नहीं आएंगे। तो अब आप आए हुए राम के रूप में, अब आप राम के रूप में हैं, राम आप सब में रम रहा है, सब में रम रहा है, वो सब में है, आप सब राम के रूप में, जड़ चेतन सगल जग जीव, जड़ चेतन सगल जगजीव राममय जान, बंधु सबके पद कमल ज्योति रूप भगवान। तो आप सभी एक ही ज्योति के, ज्योति से निकले हुए हैं, एक ही ज्योति है, एको देव सर्वभूतेश सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूत अजवास साक्षी चेता केवलो निरुणच। तो आत्मा एक ही है, कबीर जी ने भी यही बात कही कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, भांत भांत के बर्तन भय पानी सब एक।
तो पानी तो एक ही होता है, बर्तन अलग अलग हो सकते हैं, शरीर अलग अलग है, लेकिन आत्मा सब में एक है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में एक ही ज्योति, एक बाग के पुष्प सारे, एक माला के मोती। लेकिन लड़ाई, एक देश दूसरे देश को के ऊपर बम फेंकता है, उनको खत्म कर दो, कितनी बुरी बात है। किसी भी जीव की, सभी राम का रूप है, सभी आत्मा के रूप में, किसी भी जीव की हत्या करना, तो उसका तो फिर कोई, उसको तो कोई स्थान है ही नहीं। फिर वो तो पता नहीं कितने जीवों को मार देते हैं। आज दुनिया में इतना बुरा हो रहा है, और जो दूसरे जीवों को खाते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि जो दूसरे जीवों को खाते हैं, उन्होंने कभी सोचा? जितने बकरे के ऊपर रोम होते हैं, उतनी बार बकरा बनना है पड़ेगा, बकरे का ही जन्म मिलेगा, बकरे का ही मिलेगा। काट काट करके लोग खाएंगे, खींच खींच के खाएंगे, फिर पता नहीं अनंत अनंत युगों के पर्यंत कभी फिर, अगर गुरु की कृपा हो गई, गुरु सेवा ते भगत कमाई तबे दे पाई, गुरु की सेवा कोई जाने अनजाने में आपकी हो जाएगी, या कहीं आप बैठ जाएंगे, या फिर भजन पे, या फिर कहीं आप जो है उस मालिक को याद करेंगे, तो शायद फिर किसी संत महापुरुष के आपके पर दृष्टि पड़ जाए, तो फिर आपको अगला जन्म मनुष्य का मिल सकता है। तो ये जन्म जो मिलता है गुरु की कृपा, मनुष्य चोला जो मिलता है, कोई अच्छे बुरे कर्म का फल नहीं होता, ये तो गुरु की कृपा से मिलता है। तो आप कागब सुंदी थे, वो कौन थे? आप देखिए, एक ब्राह्मण था, हमारे शिवपुराण में भी आता है। तो उसको पता चला कि किसी इलाके में वहाँ सत्संग हो रहा है, कोई महापुरुष आ रहे हैं, तो चला गया, होगी बैठ गया। तो उसने भी सुना, तो उसने सोचा कि चलो नाम ले लेता हूँ। नाम ले लिया और सुना, सब हर चीज़ सुन ली, लेकिन उसकी रहनी सहनी वैसी रही। तो एक दिन गुरु साहब ने देखा कि वो प्रतिदिन जाता शिवलिंग के आगे बैठता और ध्यान लगाता, तो गुरु साहब को बड़ा दुख हुआ। तो गुरु साहब आए कि इसको अकल कैसे आएगी, काल की सेवा करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो सबको चट कर जाता है। तो गुरु साहब आ गए उधर से, तो वो बैठा था, उसने पीछे देखा तो गुरु साहब आ रहे हैं। उसने पीठ कर दी कि मुझे, मेरा, मेरे को देखना ले। तो उसी समय कुदरत ने उसको साफ दे दिया कि मूर्ख ब्राह्मण, तू गुरु की तरफ पीठ करता है, जाओ, तुझे अब नरकों में जाना पड़ेगा। क्योंकि कहा है कि गुरु हैं बड़ो गोविंद से, गावत वेद पुराण, हरि का घर तो मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। गुरु सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है गुरु, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होई। गुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आपने अगर कोई शिक्षा सीखनी है, कोई पढ़ाई करनी है, तो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, ऐसे सीख सकते हैं। विद्या आपके पास है, विद्या बच्चे में होती है, लेकिन गुरु के पास तब उजागर होती है ऐसे। और आपके पास, आप आत्मा है, आपके अंदर सारी सब ताकतें हैं। गुरु क्या करता है, पहले दिन ही बिठा करके, जैसे कि कहा गीता जी के एक श्लोक में समझा रहे हैं, बड़ा सुंदर समझाया है गीता के अंदर, लेकिन हम कोई समझ नहीं सके उस चीज को। कारण है 275 स्वभाव पृश्चामी तमाम धर्म सुर चेता यस्य स्यानी रीचि तम ब्रूही तन में शिष्यते हम सांधी माम तवाम प्रपन्नम। क्या कह रहे हैं कि जब वो सुइच्छा किसी में जाग जाती है उस नाम को प्राप्त करने की, तो फिर वो गुरु की तलाश में निकल पड़ता है कि मुझे गुरु भी ऐसा मिल जाए जो मुझे पहले दिन ही बिठा करके परमात्मा का दर्शन करा दे। तो परमात्मा का दर्शन क्या है, वो तो लाइट के रूप में है, और साउंड के रूप में, शब्द के रूप में। परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं है। दुनिया तो कहती है कि परमात्मा का ये रूप है, परमात्मा का ये अवतार होते हैं जो आते हैं। परमात्मा तो कभी आया नहीं संसार में, अवतार नीचे के होते हैं, विष्णु के अवतार। तो जब शिष्य जो है उसमें सुबह अच्छा जाग जाती है, तो फिर वो तलाश में चला जाता है। तलाश में जाता है तो
फिर उसको वो चीज मिल जाती है। तो गुरु तो बैठा होता है, मला के समान के कोई आए और उसको पार लगा सके, तो फिर जब शिष्य आता है तो गुरु अपनी कृपा वाणी और उसको वार दे करके उसकी आत्मा को ऊपर ले आता है। ये छह चक्रों का शरीर है, जितने भी ऋषि मुनि आए आज तक वो यहाँ तक नहीं पहुँच सके, वो नीचे नीचे चक्रों में ही रह गए। किसी ने कुंडली योग किया, किसी ने कोई योग किया, किसी ने कोई किया, उसी में लगे रहे। गुरु किसी को नहीं मिला, जिसको गुरु मिला वो ही सतलोक पहुंचा है। और सतलोक से आगे भी ऐसे भी महापुरुष पूर्ण परमेश्वर इस संसार में आए जो नामी देश तक पहुंचे। सतलोक के बाद जो है अलग का देश आता है, अगम का आता है, फिर नामी देश आता है। ये परमात्मा की अपनी अवस्था है, यहाँ तक कोई विरले महापुरुष पहुंचते हैं। तो दास आपको बता रहा था कि फिर उसको जब सांप दे दिया तो फिर गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु को बड़ा दुख हुआ कि देखो अब ये तो मेरा शिष्य है, अब इसको सांप मिल गया, तो अब ये अगर उसको सांप दिया कि जाओ अब तू सांप की योनि में जाना पड़ेगा, तो सांप की योनि क्या है? लख नागा, लाखों वर्ष आयु है सांप की। लख नागा करोड़ कागा, कौए की एक करोड़ वर्ष से भी ज्यादा उम्र होती है, सांपों की एक लाख से ज्यादा होती है। तो गुरु साहब कहते हैं कि चलो इसके ऊपर क्षमा कर दो, नहीं महाराज, इसने बहुत बेअदबी की है, इसने गुरु की तरफ पीठ की है, इसको क्षमा नहीं हो सकता। तो गुरु साहब कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको कौए की योनि में भेजो। हाँ महाराज ये हो सकता है, तो उसको कौए की योनि में क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि अगर ये पेड़ के ऊपर बैठा होगा, कोई महापुरुष आएंगे, उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाएगी तो उसका कल्याण हो जाएगा। एक बार का वाक्य है, स्वामी जी महाराज उस वक्त ट्रेनें होती थी, ट्रेन में जा रहे थे कहीं, महापुरुष होते हैं उनकी अपनी मौज होती है, वो तो अपने बैठ गए तो फिर अपने जुड़े होते हैं ऊपर से, तो चल रहे थे। तो ये कुंटनी सवार भागा हुआ आ रहा था, बहुत ऐसा पामर था जो जीवों को मार देता था, लूट लेता था, बहुत कुछ करता था। तो उनको क्योंकि वो ये नहीं देखते कि ये शराबी है, ये पापी है, महापुरुष ही नहीं देखते, उन्होंने तो सबको, अब जैसे हलवाई होता है, हलवाई का कपड़ा होता है, तो जब वो जाता है धोने के लिए जाता है तो धोबी ये नहीं देखता कि इसमें बहुत मैल चढ़ी हुई है, वो एक धो डालेगा, दूसरा डालेगा, तीसरा, लेकिन उसने उसको उसकी सफाई करनी है। तो तभी कहते हैं कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार सुरत शिला पर धोइए निकसे रंगा पार। तो फिर वो उसमें से रंग निकाल ही देते हैं। तो एक क्षण के लिए महाराज साबुन सिंह जी की एक आंख झपकने के समय तक उनकी आंखें मिली, काम बन गया उसका। तो अंत समय तो सबका आना है, उसका अंत समय आया तो सभी डरते थे उससे कि बहुत पापी है। तो वहाँ बहुत लोग बैठे हुए थे, तो कहने लगा जी गुरु साहब आ गए। अब उसको क्या पता गुरु को क्या बोलते हैं, तो कहने लगा जी गुरु साहब आ गए, उसको उस भाषा का पता लग गया। तो उन्होंने सोचा भी गुरु साहब इसको लेने कहाँ आ गए, इसने इतने बड़े भारी पाप किए और इसको कैसे लेने के लिए आ गए। जो भी सत्संगी होता है उसको गुरु ही लेने, तो वहाँ गुरु आ गए लेने के लिए। तो फिर वो कहता है जी गुरु साहब आ गए, तो उन्होंने बोला भी इसको कैसे आ गए। तो वहाँ साधन सिंह जी महाराज की फ़ोटो थी कहीं किसी घर में लगी हुई थी, फ़ोटो लेके आए कि हाँ ये महापुरुष आए हैं, हाँ यही महापुरुष आए हैं, ये तो परमात्मा है। तो फिर कहते हैं इसका तो काम बन गया, इसने इतने पाप किए थे और इसका काम बन गया। तो एक घड़ी भर की घड़ी तो बहुत होती है, 8 घड़ी का एक दिन होता है, 3 घंटे की होती है घड़ी, घड़ी तो बोलने में आ गई ना, एक आँख फड़कने के समय में। तो फिर उसको अगला जन्म जो है मनुष्य का चोड़ा मिल गया, फिर तो उसने मनुष्य चोड़े में फिर कमाई की तो उसका काम बन गया। तो गुरु तो ऐसा होता है,